हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभी शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हर किसी के फोन में होती है और हर कोई इससे परेशान होता है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, इसकी डिस्कस हम पूरे डिटेल में करने वाले हैं। किसी ऐप का, मान लो आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को कोई मैसेज करता है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता, जिसका हम चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आता नहीं है। कुछ ऐसा है, हम गूगल क्रोम पे कोई चीज सर्च कर लेते हैं, मान लो कोई हम अडल्ट वीडियो देखना चाहते हैं या कोई भी कुछ और कोई वीडियो देखते हैं, उसका फिर नोटिफिकेशन हमें बार बार हमारे फोन पे आ जाता है। कई बार तो हमारा फोन किसी ऐसे पर्सन के पास होता है, हमारे किसी फैमिली मेम्बर के पास होता है या हमारा किसी बच्चे के पास होता है, तो उस टाइम हम ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे अपने आप को सेव करना भी। अभी कैसे करें, कैसे सामने वाले से फोन ले। चलो फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूँ अपने, मैं राइट साइड में आपको दिखाता हूँ मोबाइल स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका नोटिफिकेशन कई बार आता नहीं। जब हम एप्लीकेशन पे जाते हैं वहाँ पे हमें शो होता है भी इसका मैसेज आया हुआ है, और मैसेज आए हुए कई बार बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे एक लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ ऐप इन्फो का एक ऑप्शन रहता है। जैसे फ्रेंड ऐप इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन रहता है, ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन कई बार जहाँ से ऑफ होता है, जहाँ से जैसे मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑफ होता है, इसको आपने ऑन कर देना है, क्योंकि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी ऐसे ही हम करते हैं, मैं दूसरी एप्लीकेशन ले लेता हूँ, जैसे गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम पे हम बहुत सारी ऐसी वीडियो देखते हैं या ऐसा कोई चीज़ देखते हैं जिसका हमें नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को आपने लॉन्ग प्रेस करना है, जहाँ ऐप इन्फो पे जाना है। ऐप इन्फो पे जाने के बाद जहाँ इसका जो नोटिफिकेशन है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। जैसे फ्रेंड आप इसको ऑफ करेंगे तो आप जो भी चीज़ यहाँ से सर्च कर रहे हो, जहाँ जो भी चीज़ आपने देखी है, तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस तरह का ज़्यादा मैं डीप में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ लगती है, जिस भी एप्लीकेशन का लगता है भी इसके नोटिफिकेशन की मुझे ज़रूरत है, आप उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, ऐप इन्फो पे जाइए। जैसे यहाँ फेसबुक है, फेसबुक पे आप ऐप इन्फो पे जाएंगे, इसके नोटिफिकेशन की जरूरत है तो उसको आप ऑन कर दीजिए, नहीं जरूरत तो ऑफ कर दीजिए। इस तरीके से आपके पास जितने फोन में एप्लीकेशन है, जिसकी नोटिफिकेशन की जरूरत है, वहाँ लॉन्ग प्रेस कीजिए, ऐप इन्फो पे जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, नहीं जरूरत तो ऑफ करके रखिए। है ना बड़ी कमाल की ट्रिक। ठीक है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा ही ऐसी रियल और जेन्युइन वीडियो मिलती है। मिलते हैं तब तक लिए आगे वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।